हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन फोटोग्राफर। आज हम बात करेंगे मैक्रो लेंसेज की और देखेंगे नाइकॉन और कैनन के कुछ लेंसेज को जिसको अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जिस लेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है नाइकॉन का 40mm f/2.8 DX लेंस। ये नाइकॉन का लेंस आपको 15 से 20 हज़ार रुपये का ऑनलाइन मिल जाएगा। ये नाइकॉन का एक बहुत अच्छा लेंस है, लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान रखने की भी है। पहले तो जैसे ये एक DX लेंस है, इसका मतलब है ये आपके सिर्फ क्रॉप फ्रेम कैमरास पे ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि क्रॉप फ्रेम कैमरास में जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होती है वो नॉर्मल फोकल लेंथ की 1.5 टाइम्स होती है। तो ये 40mm का जो नाइकॉन का प्राइम लेंस है ये आपके क्रॉप फ्रेम कैमरा पे 60mm के लेंस के तरह काम आएगा। तो ये मैक्रो फोटोग्राफी में आपको कुछ मदद मिलेगा। यहाँ पे एक और बात बहुत जरूरी है जो हमें समझनी चाहिए कि 40mm की जो फोकल लेंथ है ये एक्चुअली मैक्रो लेंसेज के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि 40mm थोड़ा सा वाइड एंगल हो जाता है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उतना करीब नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम सबको पता है मैक्रो लेंसेज आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा पास फोकस करने में हेल्प करते हैं, लेकिन 40mm का ये लेंस है इसका मतलब ये होता है कि आप भले ही उसके कितना भी पास हो जाएं लेकिन उसमें उतना मैग्नीफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रिलेटिव वाइड एंगल लेंस है। दूसरे जो लेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है नाइकॉन का 60mm f/2.8 मैक्रो लेंस। यहाँ पे कैनन भी 60mm f/2.8 USM लेंस बनाता है, तो 60mm की जो फोकल लेंथ है वो आपको नाइकॉन और कैनन दोनों में मिलेगी। मैक्रो फोटोग्राफी जैसे कि हम सब जानते हैं वो बहुत तरीके की होती है। तो अगर आप फूलों का फोटो खींच रहे हैं, वेडिंग्स में डिटेल शॉट्स खींच रहे हैं जैसे कि रिंग शॉट या कपड़ों की डिटेल्स, कपड़ों के टेक्सचर का फोटो खींच रहे हैं, तो 60mm थोड़ा अच्छा लेंस है। लेकिन अगर आप यूँ सोच रहे हैं कि आप एक्सट्रीम मैक्रो फोटोग्राफी करेंगे, जैसे कि आपने कुछ इंसेक्ट्स के फोटो देखे होंगे जिसमें बहुत एक्सट्रीम क्लोजअप, बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन यूज़ होता है, तो 60mm के फोकल लेंस से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। 60mm का लेंस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सटेंशन ट्यूब यूज़ करनी पड़ेगी, जिसके बारे में मैंने अपने दूसरे वीडियो में आपको बताया है। लेकिन एक्सटेंशन ट्यूब यूज़ करने से और भी थोड़ा सा फोटोज में फर्क पड़ते हैं, वो बात नहीं आ पाती जो आपका एक सही मायने में 100mm या 180mm के मैक्रो लेंस से जो आती है। तीसरे जो लेंस की हम बात करेंगे वो है नाइकॉन का 85mm f/3.8 मैक्रो लेंस। ये लेंस कैनन में नहीं आता है, तो नाइकॉन ही एक है जो 85mm मैक्रो लेंस प्रोवाइड करता है। ये लेंस बहुत अच्छा लेंस है और बहुत से फोटोग्राफर्स इसको रेकमेंड करते हैं। ये हालांकि बहुत एक्सट्रीम क्लोजअप मैक्रो लेंस नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं। प्राइस की अगर आप बात करें तो ये 105mm नाइकॉन का जो मैक्रो लेंस है उससे थोड़ा कम प्राइस का आता है, लेकिन इसकी जो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस है वो करीब करीब नाइकॉन के बराबर है। पांचवें जिस लेंस की हम बात करेंगे वो है नाइकॉन का 105mm f/2.8 मैक्रो लेंस। ये लेंस एक तरीके से नाइकॉन का फ्लैगशिप मैक्रो लेंस है। नाइकॉन का इसके ऊपर एक 200mm मैक्रो लेंस भी आता है, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है, उसमें एपरेचरिंग अलग से है और वो बहुत पुराना मॉडल है। तो 105mm मैक्रो लेंस नाइकॉन का बहुत माना हुआ लेंस है अगर हम मैक्रो फोटोग्राफी की बात करें, और इससे आपको बहुत ही बेहतरीन फोटोज मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम कैनन की बात करें तो सेम 100mm फोकल लेंथ पे कैनन के दो लेंसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक कैनन 100mm f/2.8 USM लेंस जो कैनन का एक नॉर्मल प्रोज्यूमर लेंस है, और सेम फोकल लेंथ पे एक कैनन का 100mm IS USM f/2.8 लेंस भी अवेलेबल है। ये एक एल सीरीज लेंस है और बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इसको मैक्रो फोटोग्राफी में यूज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैक्रो लेंसेज प्राइम लेंसेज होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, तो इनको आप एज अ पोर्ट्रेचर लेंस भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो 100mm मैक्रो लेंस को एज अ पोर्ट्रेट लेंस यूज करते हैं और उनके फोटोज बहुत शार्प आती हैं और उनके कलर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अब तक मैंने आपको जितने भी लेंस बताए ये सब 1:1 मैग्नीफिकेशन के लेंस हैं। 1:1 मैग्नीफिकेशन का होने का मतलब है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर आपके सेंसर के साइज़ के बराबर है तो वो पूरे फ्रेम को आपके पूरे फोटो में आ जाएगा। 1:1 मैक्रो लेंस ही ट्रू मैक्रो लेंस होते हैं और बाकी मैक्रो लेंसेज उतना मैग्नीफिकेशन नहीं दे पाते हैं। आखिर में मैं आपको एक बहुत स्पेशल लेंस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है कैनन का MPE 65। ये f/2.8 का मैक्रो लेंस है और इसकी खास बात ये है कि ये 1:5 मैग्नीफिकेशन का है। मतलब आप सोचिए अगर आप 5 टाइम्स किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर पाएं तो ये लेंस कितना इफेक्टिव होगा। हालांकि ये लेंस बहुत महंगा है, लेकिन जो फोटोग्राफर्स बहुत ही हाईली डिटेल्ड मैक्रो फोटोज लेते हैं उनका ये नंबर वन चॉइस है। इस लेंस के बारे में एक और बात है कि इसमें ऑटो फोकस नहीं है, क्योंकि इतना मैग्नीफिकेशन हाई होने से थोड़ा सा भी फोकस अगर आपका चेंज हुआ तो आपका फोटो एकदम ही खराब हो सकता है, इसलिए इसको एक मैनुअल लेंस बनाया गया है। तो यही सब कैनन और नाइकॉन के कुछ बहुत फेमस मैक्रो लेंसेज थे। और भी मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे मैक्रो लेंसेज बनाते हैं, जैसे कि टैमरॉन का
90mm मैक्रो लेंस आता है जो कि बहुत फेमस है। सिग्मा का भी आता है, टोकिना एक कंपनी है वो भी 90mm f2.8 मैक्रो लेंस बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आखिर में डिसाइड आपको ही करना है कि कौन सा लेंस आपको सूट करता है। लेंसेज करीब करीब सभी बराबर हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस फोकल लेंथ का लेंस चाहिए और आप उसका क्या यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूँ, मैंने जितने भी लेंस यहाँ पे बताए हैं उनमें आप एक्सटेंशन ट्यूब लगा के उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन जनरली कोशिश यही की जाती है ये टेक्निक यूज़ करे बिना अगर आप ट्रू मैक्रो लेंस यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से मैक्रो लेंसेज के बारे में समझने में कुछ मदद मिली हो। और भी बहुत सारे मैक्रो लेंसेज की बातें हम अपने आगे के वीडियोस में करेंगे। तो आज के लिए मैं यही समाप्त करता हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।